11.69% हैं जो अभी भी एक्टिव केसेस हैं जो अस्पतालों में या होम आइसोलेशन में हैं, और 1.53 डेथ के मामले हैं। 10 राज्य ऐसे हैं जो कि 79% टोटल केसेस जिनके यहाँ हैं, और इनमें भी 3 राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। केरला एक लेटर एंट्रेंट है इस सूची में, 2 हफ्ते पहले तक केरल 10 राज्यों की सूची में भी नहीं था, अब वो नंबर 3 पर है। और देश के जो कुल एक्टिव केस हैं उनके 11% केरल में हैं, 25% से कुछ अधिक महाराष्ट्र में हैं, और 13% से कुछ अधिक कर्नाटक में हैं। इन राज्यों के साथ हम अलग से विस्तृत बैठक करते हैं और उनके साथ क्या रणनीति आगे होनी चाहिए इस पर भी चर्चा करते हैं। अब मैं आपको मॉर्टेलिटी या मृत्यु के बारे में बताना चाहूँगा। अगर हम जेंडर के आधार पर मृत्यु की विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि जो कुल मृत्यु कोविड से देश में हुई हैं उसमें 70% मेल हैं और 30% फीमेल हैं। अगर हम कोमॉर्बिडिटीज़ और एल्डरली यानी आयु के हिसाब से देखें, कोमॉर्बिडिटी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, आयु के हिसाब से देखें तो 1% मृत्यु हैं जो 17 बरस से नीचे के लोगों में हुई हैं, 1% हैं जो 18 से 25 में हुई हैं, 10% हैं जो 26 वर्ष से 44 वर्ष के आयु के लोगों में हुई हैं, 35% मृत्यु हैं जो 45 से 60 के आयु वर्ग में हुई हैं। ये महत्वपूर्ण है, कई बार जो यंग लोग होते हैं, जो यूथ है, उसको ये लगता है कि हम स्वस्थ हैं, हमारी उम्र कम है, हमको इन्फेक्शन नहीं होगा, या हमें इन्फेक्शन होगा तो हम जल्दी रिकवर कर जाएंगे। इन धारणाओं से बचने की आवश्यकता है। तो ये आंकड़े हमें ये दिखाते हैं कि 35% मृत्यु 45 से 60 आयु वर्ग के लोगों में हो रही हैं, और 60 वर्ष से ऊपर के आयु में 53% मृत्यु है। अब मैं कोमॉर्बिडिटी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। ये केस फिटेबिलिटी एनालिसिस है जिसमें हम बता रहे हैं कि 45 से 60 वर्ष के जो लोग हैं, अगर उनको कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं तो उनको खतरा ज़्यादा है, यानी 13.9% मृत्यु कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोगों की हुई, और केवल 1.5% जो मृत्यु हैं वो बिना कोमॉर्बिडिटीज़ के लोगों को हुई इस एज ग्रुप में। द एज ग्रुप ऑफ 45 to 60 ईयर्स हैज सीन 13.9% डेथ्स इन कोमॉर्बिड कंडीशंस एंड ओनली 5% डेथ्स विदाउट कोमॉर्बिडिटीज। 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों में 24.6% डेथ्स हैं जो कि कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों में हुई, और 4.8 है जो बिना कोमॉर्बिडिटी में हुई। वैसे ही 45 बरस से कम आयु के लोगों में 8.8% डेथ्स कोमॉर्बिडिटीज़ की कंडीशंस में हुई, और 0.2 बिना कोमॉर्बिडिटीज़ के हुई। अगर हम ओवरऑल देखें तो 17.9% डेथ्स हैं जो कि कोविड पॉजिटिव भी थे और तो ये बताता है कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं, यानी जिनको कि कार्डियक इश्यूज़ हैं, रीनल इश्यूज़ हैं, जो ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को अधिक सुरक्षा बरतने की आवश्यकता है। और जो कुल मृत्यु हुई उसमें केवल 1.2% हैं जो विदाउट कोमॉर्बिडिटीज़ की हुई। देश का जो केस फेटलिटी रेट